स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे रोहित टेकटॉक में। और आज की वीडियो में आपको बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल वीडियो बता रहा हूँ। जो यूट्यूब पे जो लोग बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसी तरह फेसबुक भी आप लॉन्च कर दिया है, बहुत पहले ही इंडिया में लॉन्च कर दिया है कि आप यहाँ से भी फेसबुक से भी पैसा अर्निंग कमा सकते हैं वीडियो अपलोड करके। तो यहाँ आपको बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पर देखने को। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कई वीडियो बनाई हैं और बहुत सारे वीडियो पर मैंने बताया है कि कैसे आप फेसबुक पर वीडियो अपलोड करेंगे, साथ ही साथ कैसे एडिटिंग करेंगे, कैसे वीडियो को एडिटिंग करेंगे। और उसमें उसका सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से पूरा अर्निंग करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। तो आज मेरे 10,000 फॉलोअर इकट्ठे हो चुके हैं और मेरे लाइक्स 2,000 से भी ज़्यादा हैं और ये सारी चीज़ कंप्लीट हो गई। तो मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ फेसबुक पे, वो ये बना रहा हूँ कि मेरी जो अर्निंग स्टार्ट हो गई है वो मैं उस विषय पे आपको आज बताऊँगा। तो वो पूरा कंप्लीट हो चुका है आज। तो इस वीडियो पे आपको ये जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे आप फेसबुक से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब आपको अच्छी खासी पैसे अर्निंग दे रहा है, उसी तरह आपको यहाँ से भी फेसबुक से भी अर्निंग होगी, बहुत ही ज़्यादा कमाई होगी। और यहाँ इससे पहले की वीडियो पे जब देखेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस है इसका। और मैंने कम समय में ही ज़्यादा अच्छी खासी फॉलोवर इकट्ठे कर लिए हैं, यानी 3-4 महीना से मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा था। वीडियो भी काफ़ी डिफिकल्ट, ज़्यादा सिंपल थी। तो चलिए हम देख लेते हैं। मैं पहले पे आपको फेसबुक ओपन करके दिखाता हूँ अपना पेज, जो अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने दे दिया है, वहाँ से जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा फेसबुक पेज है जो नॉर्मल सभी लोग का रहता है। तो इस पे मैंने एक 3-4 क्रिएटर बना रखे हैं आर कम्युनिकेशन के नाम पे, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्रिएटर पेज आपको देख सकते हैं आर कम्युनिकेशन के नाम पे। और साथ ही साथ 2,039 लाइक्स मेरे हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। आप देखते हैं इसका पेज ओपन कर रहे हैं, हम दिखाते हैं आपको। ये मेरा पेज है, थोड़ा नेट स्लो इसलिए थोड़ा स्लो खुल रहा है, देखते हैं उसके बाद खुलने के बाद। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन अच्छे अच्छे चीज़ों की मिलती रहेंगी हमेशा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुला हुआ मिलेगा। मैंने जितना भी फेसबुक के यूट्यूब बनाया है सबको, आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। सारा कंटेंट आपका ही होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आप एक दो बार गलती कर दिए तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बार बार गलती करेंगे तो आपका पूरा क्रिएटर जो भी मेहनत की है बेकार हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा पूरा पेज है और यहाँ आप देख सकते हैं 2,039 लाइक्स। और मेरे फॉलोअर की अगर बात करें तो 15,000 क्रॉस कर चुका है। मैंने सुबह देखा था तो 14,500 समथिंग था, तो अभी 500 शायद हो गया है। तो 15,000 टोटल फॉलोअर मेरे इकट्ठे हो गए। तो अभी तो मैंने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया था इसमें, तो अब टाइम आ गया ऑन करने का और पैसा कमाने का फेसबुक से। तो चलिए आप मैं आपसे इसके बारे में, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, मगर इस पर अगर आपको कुछ जवाब या क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर ही आप इस पर मैसेज करके हमसे सारी जानकारी पूछ सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल जल्दी रिसीव होता नहीं है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। नहीं सब मिलती है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज करते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो अर्निंग मनी विथ एड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे जितना भी क्रिएटर स्टूडियो है मैंने इस सारी जानकारी से दी है, तो लिंक देख लीजिएगा उस वीडियो का। यहाँ पे अर्निंग मनी विथ एड्स का जो ऑप्शन दिखाई, गेट यू स्टार्ट का ऑप्शन जो है, पहले कुछ अलग टाइप से आता था। जो मैं व्हाट्सएप पर सेव करके रखा है वो आपको पेज दिखा देता हूँ मैं किस तरह का, कुछ इस तरह का पेज आपको ओपन होता है जो मैंने स्कैन करके रखा था। इसका पूरा प्रोसेस समझ जाइए कैसे कैसे। इससे पहले वीडियो में मैंने एक साफ साफ बताया था, क्लियर बताया था, तो मैंने स्कैन कर लिया। तो इस चीज़ को पूरा फॉलो करना है आपको, पूरा अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको टोटल 30,000 मिनट कंप्लीट करने, वो भी 60 दिन के अंदर। और यहाँ पे आपको 10,000 फॉलोवर चाहिए, वो भी कम समय में। और जितना जल्दी आप 10,000 फॉलोवर इकट्ठा कर लेते हैं तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए 30,000 मिनट के रेशियो से आपका 60 दिन में आपको मिनट कंप्लीट करना और 10,000 फॉलोअर आपको कंप्लीट करना है। तो मैंने 61% कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने
इसको सेव कर लिया था इसे स्क्रीनशॉट लेके, तो मैं बताने के लिए, तो इस तरह से आपको ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो अब आपका ये पेज, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टार्ट गेट का ऑप्शन, गेट स्टार्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और यहाँ पे अर्निंग का सिंबल दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और ये सारा जितना भी आप देख सकते हैं साइड में जो भी रूल्स हैं इनके, जो भी चीज़ है इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं उसका लिंक। तो गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको। तो जैसे गेट स्टार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप जब आपके अगर 10,000 फॉलोअर नहीं होंगे तो वो आपको इस तरह का सिंबल नहीं दिखाई देगा। तो अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा चेंज हो गया 10,000 क्रॉस होने के बाद। तो देखिए क्लिक करके बताते हैं। तो थोड़ा नेट स्लो है मेरा। तो जैसा कि देख सकते हैं गेट स्टार्ट विथ एड्स का ऑप्शन, जो सिंबल आप देख सकते हैं, मैंने 3-4 पेज बना रखे हैं इस पर। तो एक ही पे मेरे आरआर कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फॉलोअर हैं और बाकी पे मैंने वीडियो कम डाले थे। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप पूरे करने हैं। ये स्टेप पूरा कम्प्लीट अगर मैं कर लेता हूँ तो यहाँ से मुझे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने एक फॉलोअप कम्प्लीट करने है, एक पेज का क्रिएटर पेज कम्प्लीट कर लिया। यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये पूरा इनका मोनेटाइजेशन का रूल्स है, जो आपको पूरा पढ़ लेना है डिटेल में क्या क्या है, इस बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ देख सकते हैं पहला सेलेक्ट ऑप्शन पेज कंप्लीट हो चुका है, रिव्यू मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। और इसको पूरा पढ़ने के बाद आप नीचे देखेंगे तो जैसे सेलेक्ट करके नीचे आएंगे तो आपको नीचे में ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम नीचे करके सेलेक्ट करते हैं, उसको पूरा इंपॉर्टेंट है, खासकर आप इसे पढ़ लीजिएगा डिटेल में, क्योंकि हो सकती है आपको दिक्कतें हो सकती हैं फेसबुक जैसे यूट्यूब पे होती है। तो एग्री का ऑप्शन आ गया, अब हम एग्री करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको। यहाँ पे जैसे हमने एग्री किया तो फिर एक नेक्स्ट का बटन आ गया। आप देख सकते हैं रिव्यू जो ऑप्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। दो प्रोसेस, दो स्टेप हम कंप्लीट कर लिए। आप सेटअप यानी अर्निंग का जो है वो प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर देख सकते हैं नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ देख सकते हैं सेटअप पेमेंट, यानी जो आपका कंट्री है और जो आपके जगह हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो हम अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इंडिया में मोनेटाइजेशन लॉन्च हो गया है तो इंडिया शो करेगा फेसबुक पे। तो ये सारी चीज़ प्रोसेस है जो आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें इंडिया कहाँ है, और जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया ही सिलेक्ट करूँगा। तो आप जहाँ के हों वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इंडिया, हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करते हैं, कंट्री और कंट्री खोजते हैं। तो कंट्री कंट्री इंडिया इंडिया इंडिया, तो कहीं इंडिया नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कहीं ना कहीं तो होगा ही ज़रूर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया इंडिया, हमको दिख गया है और हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। और नीचे भी ऑप्शन जो है उसे भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आप किस तरह का कंटेंट, बिजनेस टाइप्स जो आप करते हैं, बिजनेस रूल्स जो आपके हैं, जो जिस कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं उस पर आप क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे पब्लिक ही करेंगे, तो पब्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको पेज खुल गया है दूसरा, तो यहाँ आपका बिजनेस नेम पूछता है, उसका एड्रेस पूछता है, फिर आपका टाउन सिटी वगैरह पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे जो भी हमारा है वो हम अपना डाटा डाल देंगे, अपना एड्रेस वगैरह और सिटी वगैरह और अपना पिन कोड, जो भी मेरा है पिन कोड हम यहाँ पे डाल देंगे अपना। उसके बाद जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो भी हम अपना यहाँ डाल के ओके कर देंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका जो भी कंटेंट हो सही हो, और उसके बाद आपका ईमेल आईडी जो भी होगा वो आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद लीगल इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन आपको नीचे में दे रहा है, तो हम अपना पहले ईमेल आईडी डाल देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका कंप्यूटर सेफ होगा तो उससे मत सेलेक्ट कीजिए, तो नहीं लेगा आपका ये, तो आपको डालना ही पड़ेगा पूरा पूरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए रेड मार्क आ रहा है, देखते हैं इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, ठीक हो जाए। तो चलिए ठीक हो गया। तो अब लीगल इन्फॉर्मेशन में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली अगर आप नाम डालना चाहते हो तो नाम भी डाल के आगे बढ़ सकते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब नेक्स्ट किए तो यहाँ पे कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन, यानी आप डिटेल देख लीजिए, क्या आपको अगर कहीं मिस्टेक लगता है तो आप बैक करके उसे सही कर सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल आपका सही होना चाहिए, खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है
हर चीज़ आपकी जो भी आप डाल रहे हैं वो सही होना चाहिए, तो दिक्कत हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आ गया ब्लैंक करके कुछ ऑप्शन है, और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दोबारा से दे रहा है। अब हम दोबारा से भी नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे सेटअप अर्निंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा आपको ध्यान से करना है, क्योंकि ये अर्निंग का सवाल है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको मिलता है लिंक योर बैंक का डिटेल, जो आपको बैंक डिटेल आपको फिलअप करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे शिफ्ट नंबर क्या होता है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। शिफ्ट नंबर वो होता है जैसे कि आप जो कोई भी आईएफएससी कोड वगैरह डालते हैं, उसी तरह शिफ्ट नंबर होता है बैंक का। जो ब्रांच में आईएफएससी कोड नहीं रहता है, आईएफएससी कोड मत डालिएगा, आईएफएससी कोड की तरह ही होता है जो इंटरनेशनल होता है। जो जैसे कि आप जब किसी को पैसा भेजते हैं तो उसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जरूर डालते हैं, उसी तरह शिफ्ट नंबर आपको डालना मस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आईएफएससी कोड की तरह होता है, सेम प्रोसेस है। मगर ये नंबर अलग होता है, ब्रांच बाय ब्रांच होता है। मगर अगर किसी ब्रांच का नहीं भी है तो आप जिस एरिया में, जिस स्टेट में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उस जगह का किसी भी ब्रांच का अगर आपका जो भी बैंक का है उसे भी आप ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ सर्च रखा हुआ है और ब्रांच का शिफ्ट नंबर कोड मैंने सर्च रखा है, तो यहाँ पे आप सर्च करके निकाल सकते हैं गूगल पे भी। तो ये नंबर हम अपना इसमें डालेंगे, ये थोड़ा ध्यान से डालिए क्योंकि बहुत ही खास चीज़ होता है जो पैसे को डॉलर को पैसे में कन्वर्ट करने में मदद करता है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने में। तो चलिए इसको हम पूरा सही फिलअप करेंगे और उसके बाद आगे भी बताते रहेंगे। तो चलिए इसको ध्यान से आप चीज़ों को सर्च करके निकालिएगा। तो चलिए हम आपको इसको SBI N और N करके जो है हम इसे डालेंगे उस पर। तो चलिए ऑन करते हैं और यहाँ से अपना नंबर डालते हैं SBI N, उसके बाद IN, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फिर से क्या है, उसके बाद यहाँ पे I के बाद N है, उसके बाद INBB390 है। तो चलिए देखते हैं INBB और उसके बाद क्या था, एक बार फिर से देख लेते, क्योंकि बहुत ही खास चीज़ होता है। 390 हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, मिला लेते हैं, ओके कर लेते हैं कि ये चीज़ सही है कि नहीं। तो मेरा थोड़ा गलत बैठा है इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। तो चलिए SBI N INBB390 और उसके बाद मिला लेते हैं। तो SBI N INBB390 चली। अब हम बात करें अकाउंट नंबर की, तो अकाउंट नंबर का भी मैंने ओपन रखा है यहाँ पे नेट बैंकिंग वाला, जो यहाँ से हम अपना अकाउंट नंबर यहाँ से उठा लेंगे और उस पर डाल देंगे। पेस्ट कॉपी मत कीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो सकता है। जो नंबर है उसको नोट कीजिएगा, 3 करके जो नंबर है हम उसे पूरा डाल लेंगे यहाँ पे अकाउंट नंबर। तो चलिए पूरा डाल लेते हैं। तो चलिए मैंने सब कुछ डाल दिया है अकाउंट नंबर पे, फिर से दोबारा मिला लेता हूँ कि ये नंबर सब सही है कि नहीं, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि पैसा जो है बहुत ही खास होता है, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं वही अगर मिस्टेक हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। तो नाम वो भी हम डाल देते हैं अपना, तो जैसे कि नाम होल्डर नाम रोहित राय ही हम डालेंगे और लिंक बैंक पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका पेपल अकाउंट है तो पेपल अकाउंट से भी पैसे को लेन देन कर सकते हैं। पेपल अकाउंट एक नेशनल अकाउंट है जिससे आप पैसा का लेन देन अकाउंट के द्वारा भेज सकते हैं और अकाउंट में ले सकते हैं, जिसमें आप अगर आपका अकाउंट है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ और चलिए लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो लिंक पे यहाँ पे कुछ अलाउ करना है जो क्लिक मार कर देते हैं और लिंक पे क्लिक करते हैं, अगर भरते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने पे आपको यहाँ पे आपका नाम वगैरह पूछा है, मिडिल और फर्स्ट नेम। तो चलिए हम यहाँ पे अपना नाम वगैरह ओके है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल समरी में तो रॉय जो है वो मेरा RAY है, तो हम इसे सही कर लेंगे, इसको RAY कर लेंगे क्योंकि रॉय तो मैंने सिर्फ डाला हुआ है। तो चलिए इसको राय कर लेते हैं। उसके बाद आप हम इसे सारे चीज़ ओके है, मिला लीजिए, सब कुछ सही है तो ठीक है, आगे बढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यू आर
ऑलरेडी, यानी आपका ये जो प्रोसेस है फुली फुली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे डन का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे एडमिन का ऑप्शन जो है, अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हैं, एडमिन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं उसको भी, मगर याद रखिए एडमिन बहुत ही खास लोग के लिए होता है, अगर खास होंगे तो ही आप बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। हम इसे यहाँ से डन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि प्रोसेस कम्प्लीट हुआ है कि नहीं। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट का बटन आ रहा है, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है। यहाँ तो अभी फ़िलहाल ब्लैंक है, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कर दिया है मैंने। तो जैसे कि देख सकते हैं नेक्स्ट करने पे यहाँ पे सेलेक्ट पेज कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे यस और ऊपर में एक दो ऑप्शन मांग रहा, तो यस पे हम क्लिक करेंगे और स्किप पे नहीं करेंगे। तो आप इस साइड में देखते हैं तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, तो हम यस पे क्लिक करें और देख सकते हैं सेटअप अर्निंग भी कंप्लीट हो चुका है, जो फिलहाल उसमें नहीं दे रहा था, अभी कंप्लीट बता रहा है। तो ये चीज़ कंप्लीट हो गया, फिर भी नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो हम आगे भी कुछ फॉलो चीज़ है जो हम फॉलो करेंगे, उसको नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट विद वीडियो फॉर रिव्यू। तो चलिए हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरह का पेज ओपन हुआ, गेट ऑन क्रिएट योर स्टूडियो। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पे किस पेज पे पहुँचाता है हमें। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है और देखते हैं पेज ब्लैंक हो गया, आगे देखते हैं क्या खुलता है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे होम पेज आ चुका है और थोड़ा स्लो है, तो देखते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो सिंबल था गेट स्टार्ट का, वो ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ मोनिटाइजेशन का ऑप्शन, ग्रीन कलर का ऑप्शन ऊपर में ही आ गया है और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अर्निंग क्या होती है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सारी जानकारी आपको, उम्मीद करता हूँ फॉलोवर 10,000 फॉलोवर होने के बाद फेसबुक का क्या रूल्स है, क्या आपको फॉलो करके आगे बढ़ना है, वो सारा सेटअप मैंने आपको कंप्लीट बता ही दिया है। और आने में फेसबुक में क्या अर्निंग मुझे होती है आगे मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा ये जानकारी कैसी लगी। और कोई सवाल और जवाब आपसे पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल मैंने व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे दिया, वहाँ से भी मैसेज करके हम सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए नहीं, फिर मिलते हैं।